नमस्कार दोस्तों डब्ल्यू के हिंदी मीडियम के सेशंस में आपका स्वागत है यह हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन नंबर थ्री है इस सेशन को हमने एस एस सी एवं सी एच एस एल एग्जाम के पैटर्न के ऊपर लिया है यह सेशन आपका रेलवे एवं सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों की तैयारी में काफी हेल्पफुल होगा अधिक वीडियोस के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dineshmiglani.com पर लॉगिन कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिस पर हमने सभी प्रकार के मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश एवं जीके के वीडियोस को डाला है चलिए हम अपने सेशन से स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन है यह सीक्वेंस हमें दे रखी है टी आर क्यू एक्स ठीक है जी ई टी के देखो इनको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं देखो आर एस टी एक का गैप है ई एफ जी एक का गैप है क्यू आर डी ई इसका मतलब इन सब अल्फाबेट्स के बीच का जो गैप है वह बराबर है ठीक है अब अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखें हमें यह पता है ई e का प्लेस क्या होता है फाइव और ऐसे अगर हम आर के प्लेस की बात करें देखो हमारा रूल होता है इजोटी का इजोटी का मतलब होता है यह हो गया ट्वेंटी तो इसके हिसाब से आर का प्लेस क्या हो गया एटीन तो इन दोनों में तेरह का गैप है मतलब सभी अल्फाबेट्स में थर्टीन थर्टीन का गैप है तो इसके हिसाब से हमें पी डी एफ एच का निकालना है ठीक है अब देखो हमें सब में थर्टीन लेस करना है थर्टीन थर्टीन पीछे जाना है तो यदि आप पी डी एफ एच का निकालेंगे तो पी डी एफ एच के हिसाब से पी से थर्टीन पीछे जाएंगे तो सी आएगा डी से पीछे जाएंगे तो क्यू आएगा ठीक है एफ में अगर थर्टीन लेस करेंगे तो एस आएगा और एच में क्या आएगा यू तो सी क्यू एस यू ठीक है मतलब बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो आप फाइनली क्या बोलेंगे बी आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है चाक का आपको दिया हुआ है एल एम बी आई डी ठीक है थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए देखो सी का डी हो गया एच का आई ए का बी एल का एम और के का एल मतलब रिवर्स करके एक एक आगे बढ़ा दें ठीक है इसका मतलब डस्ट है डी यू एस टी तो पहले रिवर्स कर दो टी एस यू डी अब टी का क्या हो गया यू एस का क्या होगा टी यू का क्या होगा वी और डी का क्या हो गया ई ठीक e, है तो यू टी वी ई मतलब कि सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो सी आपका आंसर होगा नेक्स्ट है 196, 256, 676 आपको नेक्स्ट बताना है देखो ये स्क्वायर है साफ दिख रहे हैं uh, 196 होता है 14 का स्क्वायर, 256 होता है 16 का स्क्वायर ठीक है 676 होता है 26 का स्क्वायर। देखो दो का डिफरेंस है तो आप दो का गैप लो 28, 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, ठीक है मतलब ए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 784 नेक्स्ट है ट्वेंटी थ्री फाइव ट्वेंटी नाइन के बराबर है तो हमें थर्टी एट का बताना है वैसे तो देखो ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर फाइव ट्वेंटी नाइन है तो आप देखो ऑप्शन में क्या थर्टी एट का स्क्वायर है थर्टी एट का स्क्वायर होता है वन फोर 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 ठीक है मतलब डी आपका आंसर हो जाएगा तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं डी हमारा आंसर होगा हेमेटोलॉजी का जो रिलेशन है किससे है रक्त से देखो खून की जो स्टडी होती है रक्त की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं हेमेटोलॉजी ऐसी ओर्निथोलॉजी होता है जो बर्ड्स की स्टडी है बर्ड्स का मतलब जो पक्षियों की स्टडी है ए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो ओर्निथोलॉजी का मतलब है जो पक्षियों की स्टडी है ए हमारा आंसर होगा मोगरा पुष्प देखो मोगरा जो है वह एक तरह का क्या होता है पुष्प होता है अब जड़ है अब आप देखो इन चारों में से जड़ कौन सी है देखो पौधा जड़ होता नहीं पत्ता भी नहीं होता बैंगन भी नहीं है गाजर जड़ होती है गाजर है मूली है यह जड़ होती है तो ए हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्द कोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करिए रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ठीक है देखो अब आर आ एफ एल तो सब में है ठीक है ई e, e, e भी सब में है आप देखो ई e के बाद सी वाले देखिए सी टी सी टी आई राइट रिफ्लेक्टर तो पहला क्या होगा पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें रिफ्लेक्ट आ जाएगा फोर उसके बाद वन ठीक है फोर वन ठीक है और फोर वन के बाद में अगला फाइव थ्री टू तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा यदि हम इसे अंग्रेजी शब्द कोश के हिसाब से रखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा ए हमारा आंसर होगा अक्षरों का कौन सा एक समूह दिए गए अक्षरों को एक अनुक्रमा की फॉर्म में लिखता है ठीक है तो देखो हमें क्या दिया है बी सी फिर यहां गैप है फिर सी फिर गैप है अब देखो यहां से अगर हम देखें तो क्या चल रहा है डी सी बी डी सी बी ऐसा एक सीक्वेंस चल रहा है बी सी डी देखो अगर हम थोड़ा ध्यान से समझे तो हमारा जो फॉर्मेट चल रहा है बी सी डी सी सी डी सी बी डी सी बी सी फिर सी बी सी डी मतलब बी सी डी सी ठीक है उसके बाद में सी डी सी बी तो एक तरह से जो पैटर्न हम कह सकते हैं बी सी डी सी एक पैटर्न बन गया उसके बाद जो अगली बार बन रहा है सी डी सी बी सी डी सी बी फिर बन रहा है डी सी बी सी डी सी बी सी ठीक है उसके बाद बन रहा है सी बी सी डी और फिर बन रहा है बी सी डी सी ठीक है तो इस तरह से एक सिक्वेंस चल रही है तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो बी विकल्प हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया निम्नलिखित शब्दों को पूर्ण अर्थपूर्ण क्रम में लेके आती है देखो कमर पिंडली तलुआ जांग घुटना ठीक है अगर हमें अर्थपूर्ण शब्द की बात करी जाए तो तलुआ उसके बाद पिंडली देखो नीचे से देखें ये तलुआ फिर पिंडली पिंडली के बाद हो जाएगा हमारे पास में घुटना ठीक है तो तीन दो पांच घुटने के बाद जांग और एक कमर तो हम अर्थपूर्ण शब्द में कहें तो तीन दो पांच चार एक बी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा इससे हम इसे अर्थपूर्ण क्रम में लेके आ सकते हैं आपको इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म निकालना है देखो ये चीज तो हमें देखती समझ में आ रही है कि ये जो है ये टू से मल्टीप्लाई हो रहे हैं या का टू की पावर चल रही है ठीक है जैसे देखो फोर है फोर क्या होता है फोर एक तरह से हमारे पास में फोर से एट हुआ फोर का डबल हुआ एट का फोर टाइम्स हुआ फिर डबल हुआ फिर फोर टाइम्स हुआ फिर डबल हुआ तो फोर टाइम्स होगा तो 512 को आप जब चार से गुना करेंगे तो दो मतलब हम क्या कह सकते हैं सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी आपका आंसर होगा इस सीरीज को अगर हम सोचें देखो 23, 23, ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन थर्टी सेवन थर्टी फाइव ठीक है देखो तेईस सत्ताईस इकतीस पैंतीस और तेईस चार चार का डिफरेंस है इसमें उनतीस दो इकतीस छः सैंतीस तो इसका मतलब यहाँ उनतालीस होना चाहिए दो का डिफरेंस छः के बाद दो का और यहाँ तो उनतालीस ही होगा क्योंकि चार चार का डिफरेंस है तो थर्टी नाइन और थर्टी नाइन एक और फिर देखो देखो तेईस के बाद उनतीस इकतीस सैंतीस फिर दो का डिफरेंस आएगा उनतालीस इस हिसाब से तो यहां पर क्या होना चाहिए हमारा यह तो थर्टी नाइन ठीक है अब इसकी बात है तो इसमें अगर हम देखें तेईस के बाद छह का डिफरेंस है छह के बाद दो का फिर छ का है ठीक है अब इसके बाद कायदे से तेईस उनतीस इकतीस है ऑप्शन ऐसा है नहीं फिर ध्यान से देखो तेईस है उनतीस है ठीक है उसके बाद इकतीस है सैंतीस है अगर अगर ऑप्शन में उन्तालीस होता तो हम ये कहते हैं उनतालीस उन्तालीस हमारा आंसर है बट है नहीं तो अब और थोड़ा सोचें तो देखो ये प्राइम नंबर आ रहे हैं सीक्वेंस में है पहले तेईस के बाद उन्तीस होता है फिर इकतीस होता है फिर सैंतीस होता, होता है तो सैंतीस के बाद क्या होता है इकतालीस तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा नेक्स्ट सीक्वेंस है कोडिंग डिकोडिंग अब आपको यह बताना है देखो जेड क्यू ए क्यू सी टी एक्स एन ठीक है तो जेड क्यू ए टी का जो है हमारे पास में क्या है मतलब जेड क्यू ए क्यू फिर सी टी एक्स एन एफ डब्ल्यू यू के आई जेड आर एच तो अगर हम यहां से देखें Z का सी हुआ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे चल रहा है तो जेके एल तो एक तरह से पहला जो अल्फाबेट एल हो गया ऐसे अगर हम आ, Q की बात करें अब Q में अगर हम थ्री ऐड करें तो क्या हो जाएगा T Q R S T U V W X Y Z A B C राइट इस तरह से हम देखेंगे तो A हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया L C O E A आपका आंसर होगा दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुने जिसे किसी दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके निर्मित नहीं किया जा सकता इंडिपेंडेंस हमें दिया हुआ है ठीक है अब देखिए अगर हम सोचें इसमें डीपन डी डी डीबी है ये तो बन सकता है। नाइस एन आई बी है इंडिपेंडेंस में कहीं भी एस नहीं है तो हम क्या कहेंगे सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंस के यदि हम शब्द आ, अंकों को या उसके अक्षरों को यूज करें तो हम डेंस शब्द नहीं बना सकते छह व्यक्ति गोवर्धन मदन जोसफ किम लोक बंधु और सोनित तो मान लीजिए जैसे जी एम जे के एल और एस कहता है कि किम केवल दो व्यक्तियों से लंबी है देखो किम अगर दो व्यक्तियों से लंबी है तो ऐसा हो जाएगा बाकी सब किम के इधर है जोसफ गोवर्धन से लंबा है तो जोसफ जो है वह गोवर्धन से लंबा है और जो मदन से लंबा है तो गोवर्धन मदन से लंबा है लोक बंधु मदन या किम से लंबा नहीं है तो लोक बंधु जो है वह मदन से भी लंबा नहीं है और वह किम से भी लंबा नहीं है इसका लोक बंधु कहीं ना कि इन, इन दोनों जगह पर होगा सोनित गोवर्धन से छोटा है तो सोनित जो है वह गोवर्धन से छोटा है तो हमें यह बताना है कि तीसरा लंबा क्या होगा राइट अब देखो अगर हम इस सीक्वेंस को सोच के देखें तो हमारे पास में प्रॉब्लम यह है कि सोनित जो है सोनित अब ये तो ठीक है, दोनों में से एक जगह होगा तो बात आई अब सोनित की या तो सोनित या ऐसे ये क्लियर है ई होगा हमारे पास में ठीक है क्योंकि इधर तो आ नहीं सकता तो एक बात तो हम कहे कि हमें तीसरा लंबा व्यक्ति पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा मदन तो हम क्या कह सकते हैं इसके अनुसार कि जो तीसरा लंबा व्यक्ति है वह मदन होगा बी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा नेक्स्ट है हमें यह सोचना है भी दो और तीन के हिसाब से इकतीस बना तीन और चार के हिसाब से यह बना दो सौ तिरासी तो मतलब यह तो साफ दिख रहा है अभी कहीं ना कि या तो इनका क्यूब ऐड होगा या कोई अच्छी बड़ी टर्म ऐड होगी ठीक है जैसे अभी अगर हम यहां देखें दो और तीन तो दो और तीन में जहां इकतीस बनता हो तो चार और सताइस से बनता है तो दो की पावर दो और तीन की पावर तीन तो चार और सताइस इकतीस यहाँ देखें देखो थ्री की पावर थ्री कर दे और फोर की पावर फोर कर दें तो सत्ताईस प्लस दो सौ छप्पन यह जोड़ मेरा दो सौ तिरासी के बराबर होगा अब अगर मैं तीन और पांच में सोचू तीन की पावर तीन और पांच की पावर पांच तीन तीन होती है सत्ताईस प्लस इनको आप ऐड कर लो इकतीस सौ पच्चीस जमा सत्ताईस तो यह कितना बना इकतीस बावन मतलब सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इकतीस बावन ऐसे ही नेक्स्ट है यहां हमें सोचना है तीन चार से सैतीस आ रहा है तो देखो अगर हम और सोचे भी इक्यासी माइनस तो अंतर सोचें अगर इनका तो ये सी ये होता है सत्ताईस क्यूब चौसठ अंतर ये है 125 और 216 सौ अंतर इक्यानवे है तो अब हम कह सकते हैं 125 और 512 अब 512 में से अगर हम 125 माइनस कर दें तो अंतर क्या होगा 387 तो हम कह सकते हैं ए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका जो मान होगा वह तीन के बराबर होगा नेक्स्ट है किसी कोड भाषा में ये आपको दिया हुआ है समीकरण का मान निकालना है देखो गुना का मतलब है जमा तो 16 जमा 8। डिवाइड का मतलब है माइनस चार और जमा का मतलब है गुना 6 माइनस का मतलब है डिवाइड अब बोर्ड मास के हिसाब से पहले डिवाइड कर तो दो, दो दुनी चार आठ तो 16 जमा 8 माइनस आठ ये कैंसिल हो गया तो सिक्सटीन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे इस समीकरण का जो मान है 16 के बराबर है नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश अपने घर से उद्यान के लिए रवाना हुआ उत्तर की ओर चार किलोमीटर चला देखो उत्तर की ओर आप ले गए इसे चार किलोमीटर फिर कहता है अपनी दाई ओर मुड़कर छः किलोमीटर चला देखो उसका दाहिना इधर है छः किलोमीटर चला फिर बाई ओर मुड़कर चार किलोमीटर चला अब बाया ऊपर की साइड में है तो यहां से अब बाई और जाएगा तो ये दाहिना और ये बाया बाया जाएगा तो चार हो गया फिर उसके बाद 180 डिग्री घूमकर 14 किलोमीटर चला देखो 180 डिग्री घूमेगा तो वापस नीचे की तरफ जाएगा चार चार आठ और ऐसा हो जाएगा 14 किलोमीटर हो गया अंततः वह उद्यान पहुंचने के लिए बाई और मुड़कर दो किलोमीटर चला अब देखो यहां से अगर वह बाई तरफ जाएगा तो बाई तरफ इधर होगा उद्यान यहां पर आ गया तो आपको बताना है कि उसका निवास उद्यान से कितने किलोमीटर दूरी पर है और किस दिशा में है देखो ये निवास और ये उद्यान है यहां से देखें तो यह कौन सी हो जाएगी उसकी दिशा उत्तर पश्चिम दिशा होगी तो दिशा उत्तर पश्चिम होगी दूरी निकालनी है तो यहां से निकालिए आप इसे देखो ये दो और छे ये पूरी आठ होगी ठीक है और ये छे है तो पाइथोग से लगाए अगर हम लोग चौसठ प्लस छत्तीस कितना आ जाएगा रूट ऑफ सो रूट सो किसके बराबर होता है दस के तो हम क्या कह सकते हैं उत्तर पश्चिम दस ए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यह हमारा आंसर होगा एक ही पासे पर दो विभिन्न दृश्य दर्शाए गए हैं ठीक है आपको यह बताना है कि ई के सामने कौन सा है, है? ठीक है? देखो ए बी सी ई एफ अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमें यह बताना है कि ई e के सामने कौन सा पृष्ठ है तो तो देखो हम कोई कुछ नहीं कह सकते, भी तो आपस में कंबाइन हो नहीं सकता तो आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता सी है ई एफ इधर भी हो सकता कहीं भी हो सकता है तो इससे हम कुछ निर्धारण नहीं कर पाएंगे डी तो आपका आंसर होगा इसमें कितने त्रिकोण है देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ अकेले के लिए आठ हैं पेयर में यह एक हो जाएगा फिर यह हो गया दो यह हो गया तीन एक बड़ा हो गया ठीक है तो आठ तीन ग्यारह मतलब ग्यारह जैसे ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ थे तो नौ तीन बारह और एक तेरह तो तेरह हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो कितने इसमें त्रिकोण है तेरा के बराबर होंगे यह आपका आंसर होगा वाक्य शब्द ठीक है तो देखो शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य से पाठ्य बनता है तो सी हमारा आंसर हो जाएगा कितने प्रबंधक एमबीए हैं अब देखो इसमें ये ट्रायंगल हमारी प्रबंधक है ये उद्यमी है और ये एमबीए है तो प्रबंधक की बात हो रही है जो एमबीए है तो प्रबंधक में हमें यह गिनना है ठीक है अब प्रबंधक में अगर हम यह गिनेंगे तो एम या तो छब्बीस और उन्नीस है तो छब्बीस प्लस उन्नीस कर दीजिए पैंतालीस हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट है यदि यह प्रश्न आकृति है तो आंसर आकृति क्या होगी देखो दो डॉट आपको यहां चाहिए तो ये बी में ही है तो हम क्या कह देंगे बी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा यदि यह प्रश्न आकृति है तो आंसर आकृति क्या होगी देखो आंसर आकृति में ऐसे ऐसे पहले तो ये चाहिए आपको ठीक है उसके बाद ट्रायंगल बनेगी तो आप यहां अगर ऑब्जर्व करके देखें तो हम इजिली कह सकते हैं अभी ए में ही ऐसा पॉसिबल है तो ए हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा आपको यह है बताना है ठीक है अब देखो ध्यान से देखो अभी इधर बड़े बड़े नंबर हैं तो कुछ इन्हीं से ही बनेगा ठीक है अब देखो क्या चल रहा है दो छे नौ जोड़े आठ नौ सत्रह कुछ नहीं बना गुना करके कुछ करें नहीं बना इधर सोचें एक चीज सोच सकते हैं भाई इसमें से अगर एक एक कम कर लें दो में से क्या एक छः में से क्या पाँच नौ में से क्या आठ चालीस यहाँ सोचें सात में से गया, गया, गया छः तीन में से गया दो चार में से गया तीन बारह थी छत्तीस ऐसे इधर तीन में से गया दो छः में से गया पाँच और एक चार बीस उन्नीस तो इसका मतलब अगर हम यहां कहेंगे तो आठ में से गया सात तीन में से एक दो सातवनी चौदह तो यहां चार चाहिए चार मतलब पांच चाहिए यहां पर तो आप क्या कहेंगे बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अगर यहां पर बी है तो हम कह सकते हैं भी यह इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेट करेगा किसी कोड भाषा में यदि कैप्टन शब्द को यह लिखा गया है तो आपको बताना है कि लीडर क्या होगा देखो सी डी ई एफ ए बी सी डी पी क्यू आर एस क्यू आर में दो दो का गैप है सिंपल है जैसे लीडर है एल ई ए डी ई आर तो एल एम एन ओ ई एफ जी एच ए बी सी डी डी ई एफ जी ई एफ ई एफ जी एच आर एस टी यू तो ओ एच डी जी एच यू ओ एच डी जी एच यू डी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा इस तरह से यदि कोटबद्ध किया जाए तो यह हमारा आंसर होगा यदि किसी कोड भाषा में क्राउड आपको दे रखा है सी आर ओ डब्ल्यू डी और ई यू टी डी ओ देखो सी डी ई ठीक है आर एस टी यू भी सी डी का मतलब है कि एक तरह से मान लो एक गैप है तो दो ऐड कर ले आर एस टी यू तीन का गैप है ओ पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी तो सेवन का गैप हो गया डी ई एफ जी एच आई जे के एम एन ओ नाइन गैप है इलेवन का तो देखो ये प्राइम नंबर हैं सारे ठीक है तो अब हमें होर्ड का बताना है एच ओ आर डी ई ठीक है तो होर्ड में भी आप क्या करिए प्राइम के हिसाब से करो एच आई जे तो जे हो जाएगा आर डब्ल्यू के पी तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया जे आर डब्ल्यू के पी डी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा नेक्स्ट है यदि क्रिएटर का कोड आपको यह दिया गया है स्क्रीन का कोड यह है तो हमें रेशो का कोड निकालना है जैसे क्रिएटर है क्रिएटर का कोड आर होता है थर्ड प्लेस पे होता है सी आर एटीन प्लेस होता है ई फिफ्थ प्लेस होता है साफ दिख रहा है तो आप देखिए जैसे रेशो है एटीन प्लेस है ए का वन प्लेस है टी का ट्वेंटी प्लेस है आई का नाइन्थ प्लेस है ओ का फिफ्टींथ है फिर फोर्टीन है तो वन एट वन टू जीरो वन एट वन टू जीरो नाइन ये हो जाएगा बी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा छह विमान पी क्यू आर एस टी यू ने विभिन्न स्थानों के लिए उड़ान भरी क्यू ने एस के बाद और टी से पहले उड़ान भरी देखो क्यू ने जो है एस के बाद पहले एस ने उड़ान भरी ठीक है फिर क्यू ने भरी और क्यू ने एस के बाद और टी से पहले भरी क्यू ने एस के बाद भरी मतलब पहले एस आया मतलब यही हुआ ना मान लो ये अगर हम सिक्वेंस बनाए पहले कौन तो पहले एस क्यू टी के बाद आर ने एस के बाद तो आर ने एस के बाद भरी तो क्यू ने भी एस के बाद भरी थी तो आर भी इधर हो गया एक तरह से और क्यू से पहले भरी तो आर इसके बीच में आ गया यू ने पी के बाद उड़ान भरी यू ने पी के बाद उड़ान भरी तो मान लो पी यू है परंतु यू आखिरी नहीं था तो आखिरी टी हो जाएगा तो टी यू पी क्यू आर एस तो अंतिम कौन है तो इसके हिसाब से हम देखें तो अंतिम टी हो जाएगा तो बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया अंतिम जो है वह है टी होगा निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिवर्ष है देखो अधिवर्ष क्योंकि ये सारे हमारे हंड्रेड के मल्टीपल हैं तो चार सौ का मल्टीपल होना चाहिए सी हमारा आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से जो अधिवर्ष है वह बारह होगा यदि कोई घड़ी दर्पण में तीन बजकर पैंतालीस मिनट का समय दर्शाती है तो वास्तविक समय क्या है इसको 12 में से माइनस कर लो सीधा सा तरीका होता है तो 12 में से माइनस करेंगे 15 11 में से तीन गया 8 8 15 तो सी हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो इसको यदि हम दर्पण में देखें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उस समय दर्पण में 8 15 दिखाया गया होगा तो सी आपका आंसर होगा तो यह हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर टू था सॉरी प्रैक्टिस सेशन नंबर थर्ड रीजनिंग का अधिक वीडियोस के लिए आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर लॉग इन कर सकते हैं आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करिए ताकि वह भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सके। धन्यवाद